अंदर जाहा अमृत दे डब्बे जी। ओ बंदे अंदर बढ़ के कोई ना देखे जा बारे लबण सबे जी। मोती डबे जी। अरे कालिदास आवे पांच सराफा किसे नो तारा मरतन ना लवे जी। बंदिया गुरु आखदा मन लोकना गुरु धार के जन्म सुधार बंदे। अरे गुरा बांधना मिलनी मुक्ति ना मिलनी जुगति दी सार बंदे। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। आ, 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 आ,
दरबार की जय हो जय हो जय हो भगतानी। निर्गुण की पहली पौड़ी है कि बंदे अगर तूने उसको पाना है तो गुरु की सरणी में जाकर के पहले सच सीख। माला ले रखी है दान दे रहे बैठा जब पता करे ध्यान उतरिया में बैठा कुछरी बुजरी पटनी ऐसे नहीं जपा जाता। जपने के लिए मन की स्थिरता जरूरी है। इस काया में ऐसे ऐसे दुश्मन हैं जो इस जीव को कहीं का नहीं छोड़ते। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की भाई। अगर तूने उन पर विजय पानी है तो पहला मूल मंत्र है कि भाई सच सीख। जिस दिन तेरे मन में स्थिरता आ जाएगी और तेरे मन में तेरे अंदर जो है वो सच निवास कर लेगा तो तुझे वो मार्ग खुद ब खुद मिलता जाएगा। बोलिए बड़े प्रेम से सचिव दरबार की। जैसे नहीं हो ताकि तब सब कुछ निष्फल है। इसीलिए संत क्या कहते हैं बोलिए बड़े प्रेम से सचे दरबार की। बीओ साहब आई गए दो दिन हाथ लाते दिनों बोल रहे बोलो कल आंदे से बुला सारे चली गए कमरे गए टाटा लुटी गए। एक नाम सियाराग ने दूजे का नाम अमरीक था। अब इंस्पेक्शन यो साहब आ गए थी क्लास आ चुका है मास्टर खड़े रहा वैसे 2 लाख तो नहीं है घरे आज स्कूल नहीं आई रही भाई साहब। बीओ साहब खड़े हो गए और क्लास आज बोला मेरे भाई अड़ी गाली ना बच्चो बोले अब मैं सबसे उसे हाँ लड़का कौन है और टाटा हेठा से उठ गया छुट गया हट गया खड़ गया बोले जी आऊंगा वो लगी रहा के यार ग्लोब नहीं होंगे हाथ तुम्हारे से भारत का नक्शा होता सिर खिरा थी। बोले भाई इस पे बता के अमरीका कहाँ है बोले जी से बहुत आता है लुकी रहा सिर्फ भाई आज तीन आ जाते हैं। बोलिए बड़े प्रेम से सचे दरबार की। हम लोग आप लोगों को क्या सिखा सकते हैं आए तो कुछ तुम्हारा लोगों से सीखने के खातर हम पर सियाने हो ही आए हूँ चलता है रूहानी मंडल के शहर में। अगर तैने यहाँ की सैर करनी है तो पहले सच सीख। क्या लिखा है संतों ने
क्योंकि युक्ति के बिना कभी मुक्ति नहीं मिलती, ना मार्ग मिलता है। दुनिया में आया है तो युक्ति तो तुझे करना ही पड़ेगी भाई, अगर वहां जाना है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहां जीव क्यों आता है? जो पैदा हुआ उसने तो मरना ही है। कहा के भाई जन्म मरण के जो दो तेरे दुख है उनसे तने छुटकारा पाना है, फिर कैसे पा सकता है भाई? पैदा हुआ ऐसा दुनिया तो मरने का जरूर पाना, क्योंकि वो निश्चित है। चाहे कोई पीर है पैगंबर है, कहते हैं कि खुद वो परम पिता परमेश्वर अवतार धारण करके आते हैं तो उनको भी चूड़ा छोड़ना पड़ता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की, क्योंकि यहाँ की रीति को वो भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए बंदे तू ऐसी कमाई करके तू पैदा ही ना हो, तार छुट्टी से कांगड़े और कोई मार्ग नहीं है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की, जब पैदा होना तो मरना तो अवश्य है। जब तक ये सृष्टि है घर क्या हुआ? क्या कहते हैं संत जन के बड़े बड़े आ गए इस मार्ग में जाने के लिए। ऋषियों मुनियों ने 88,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा के पुत्र हुए, चार मानस पुत्र थे ब्रह्मा के। क्या लिखा हुआ है? We'll be right back.
ब्रह्मा विष्णु भी थक गए साथ। फिर बोला शिव शंकर ने ये बखाने वो रहंदा योगी के ध्यान में, बिना सिंगी से नाद बजता है, बोलिए बड़े प्रेम से सचेत दरबार की। क्योंकि एक जगह लिखा हुआ के भाई नाद नहीं था, बिंद नहीं था, ना थी कर्म या रुकाया, अलख पुरुष के जी बना थी, वो शब्द कहां से आया। ये धरती रोटी वही बंदे कागा लिए ही जाए, पूछो अपने गुरु से वो कहां बैठ कर खाए। बोलिए बड़े प्रेम से सचे दरबार की। अरे निर्गुण को पाना बड़ी मुश्किल की बात है। फिर बोला शब्द हमारा आदि का, एक बोलो भाई मैंने सृष्टि रची है, दूसरा कहता है कि मैं पालना करता हूं। भागवत में ये बात आती है कि भाई वो खंभ काटा, फिर विष्णु बोला भाई तू इतनी कई मूल देख जाई ने कुती जी, अग्नि ब्रह्म बोला भाई तू चूड़ी कौन कुती जी, 300 जो मूल मिली अंगा से भी आई जी, चूड़ी वाले चूड़ी मिल किसे भी आई जी। अब दोनों चले गए, अब संसा ब्रह्मा के मन में फंस गया कि भाई अगर विष्णु मूला देखे नहीं आ गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जानी भाई है। प्रेमी सजनों, अब ब्रह्मा ने क्या काम किया भाई, रास्ते में केतकी का फूल मिला पर चूड़ी नहीं मिली, जब चूड़ी नहीं मिली तो केतकी का फूल बनाया गुआ भी पाए तो मेरी बुआई दे दिया भाई आए चूड़िया देखी नहीं आई गया भाई। बोले अरे इतनी गिर गल गलानी भाई कह दूंगा, बोलिया मैं वहां आ गए। विष्णु ने कहा बोलिया महाराज मिंजो ने मुड़ा पता है क्या इतना जी, बोलिया थले जाना गया थले खान पता नहीं की थी जी था क्या, मेरे को कोई पता नहीं चला। बोलिया अपने माता ने चूड़ी बोलिया महाराज देखिए रब लिया है सच गला, बोले महाराज अगुआ केतकी के फूल ने झूठ कह दिया भाई महाराज हाँ भाई मैं भी उठी था इन्हें चूड़ी देखी नहीं आया भाई। प्रेमी सजना जब इतनी बात कही तो केतकी के फूल को श्राप हो गया, बोला वो झूठ कह रहा है तू, जा बोला आज के बाद किसी देवी और देवता के फूल या पूजन के ऊपर तू कभी नहीं चढ़ेगा। बोलिए बड़े प्रेम से सचे दरबार की। फिर तुसे लोक लाई लुआ साहब भाई इतना कुछ झूठ बोल रहे थे, तिसो इतनी बड़ी सजा मिली तो हाँ तुम्हारा लोग करा क्या है। फिर कितनी सच्चाई की जरूरत है अगर उसको पाना है तो। बोलिए बड़े प्रेम से सनातन धर्म की। अंदाजा लगाइए विचार करिए, जो मन को साध करके साधना करता है वो कैसे पाता है। Yeah.
सुरती शब्द संग भाई पिछले जन्म की उन्हें शुद्ध बिसराई। नौ द्वारों के पार भाई तेरा फिर खुलेगा दसवां द्वारा जहां वो अनहद साज बजता है। अनहद उसको कहते हैं जिसकी कोई हद ना हो, जो निरंतर बाज रहा हो। उसको अनहद कहते हैं। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। फिर हमारे वेद शास्त्र पुराण प्रमाण देते हैं कि कैसे कैसे संत महात्मा हुए जिन्होंने उसको पाया। रविदास की शिला के नीचे गंगा बहती थी। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। वो थे कमाई करने वाले। तीन थसा सच्चा रास्ता पकड़िया और गुरु नानक हुए। एक दफा मक्का में चले गए, मक्का में दिन जाए आज करने। वहां चले गए तो क्या किया, वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। सही गए थी विश्राम लगे करने तो कैसे किनारे से मत के खा जो करते पाए वो सो गए। सेजे वहां के काजी मौलवी थे से वहां बोले महाराज, बोले यहां इबादत करने की जगह है। ये मरने पूजने की जगह, इबादत करने की जगह है महाराज। ऐसा करो बोला इधर पैर मत करो। थोड़ा बोला दूजी यहां जो कर लो ना पैरा। बोले भाई देख मैं तो बड़ी मुश्किल से पड़ा हूं यहां, वृद्ध हो चुका हूं। बोला मां ते तो उठी मैंने उंधाड़ा करा तुझे। बोला मेरे ना पैर पर रखा जो कर दो मुझे चक्की में। और दो चार जने लगे। जैसे ही गुरु नानक साहब को उठाया और से पैर दूजी आहो कितने तसे मक्का भी दिखो चली गया। से भी तीसरा पैर हो घूम गया। तेने पांच चार बारी की टेढ़ा बेचा कड़ा दूजी आओ करना तो से भी सब भी घूमना चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप बोले कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। आप कोई अवतारी पुरुष है। बोलिया तो भाई उनकी लो लगी थी। उन्होंने वो सच्चा मार्ग पकड़ा हुआ था। उन्होंने निर्गुण को पाया था। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। बोलिए शब्द निर्वाण की। बोलिए बाबा मस्त राम की। बोलिए शंकर की। दस सतनाम छोड़ कर दो, मैं नहीं गा सकता। मैं कंठे बोला बोली दो।